वेलकम, आइए आज बच्चों के रचनात्मक दुनिया में चलते हैं। बच्चे जितना ध्यान से बनाते हैं, रचनात्मकता उतनी ही सुंदर बनती है। रंगों की अद्भुत दुनिया बच्चों के मनोभावों को भी उजागर करती है और उसके माहौल की शांति को भी। मन की सुंदरता बाहर आ जाती है। बच्चे पढ़े हुए को अपनी कल्पनाओं के माध्यम से हकीकत से जोड़ने का प्रयास करते हैं और इस दौरान वे कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं जिसे वे उम्र भर नहीं भूल सकते। इन रचनाओं के माध्यम से वे कहीं ना कहीं किसी न किसी ऊंचाई के साथ जुड़ रहे होते हैं। उनका अपने इतिहास से जुड़ाव होता है और यही जुड़ाव उनको उनके भविष्य के लिए तैयार करता है। इस प्रकार ये रचनात्मकताएँ किसी कड़ी के रूप में काम करती हैं। बच्चों में सहयोग की भावना का बहुत अच्छी तरह से विकास होता है। दूसरों के लिए कुछ करने की भावना जो उनके मन में होती है, इनके द्वारा वे उसे एक मूर्त रूप देते हैं। बच्चों में से ऐसे कलाएं निकलकर सामने आती हैं जिनको उन्होंने खुद ही डेवलप किया होता है। सचमुच देखकर हैरानी भी होती है कि ये बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। उनकी कलाओं को देखो तो नज़र नहीं हटती। हर जगह पैसे की नहीं परंतु रचनात्मकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बच्चों ने हैरान कर देने वाली सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई हैं। कभी कभी बच्चों के दिमाग में वैसे ही बैठे बैठे कुछ नया आइडिया आ जाता है। दूसरों के लिए कुछ करके जो खुशी होती है और वे उस खुशी का अनुभव भी कर पाते हैं। उनकी इस प्रदूषण रहित रचनाओं को देखकर सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे हमारा पढ़ाया हुआ उन्होंने जीवन में उतार लिया और वे जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। अब इसमें कोई शक भी नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन और अपने त्योहारों को प्रदूषण रहित ही बनाएं, ताकि हमारी प्रकृति हंसती मुस्कुराती अपने वास्तविक रूप में ही नजर आए। थैंक यू। Stay in science.